मुझे क्या करना चाहिए? देखो एंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मेरे लिए? जेन ने मुझे एक उपहार दिया है। एंडी, देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें? लेकिन ये मेरा उपहार है और मैंने इसे एंडी के लिए खरीदा था और मुझे दे दिया। अरे नहीं, वाह, अब ये उपहार मेरा है और तुम तीनों एक शानदार और दिलचस्प चुनौती में जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम लोग कहाँ है? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है। और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा ये पॉपिट। जो कोई भी एक मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा। और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्किटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही, अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग है। Yes! मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बार्बी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? No. क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। What? यार, ये स्वीटल्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वो दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों, ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इसे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जे, बार्बी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है, तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। ओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। ओके। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है, और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया,
सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या समय समाप्त हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। जेन तुम पहले दिखाओ। जेन तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई। एंडी देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी तुम्हारा काम सामान्य है पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी, मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। परेशान मत हो, मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी यह बर्नर। तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओ, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन तुम कितनी प्रतिभाशाली हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ, बस बातें बहुत हो गई। अब ड्राइंग करने का समय है, समय निकल रहा है। वाह मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है यह 3D पेन, बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया, पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा, सुंदर और तेज। देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बारबी तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? ओ, मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा क्राउन, तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करो? मुझे नहीं पता किसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको।
सलाह के लिए धन्यवाद। ओके। देखो कितना अच्छा बन रहा है। या। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से उड़ रहा है? अजी, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, सच कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो, और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ओके। और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इसे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। और मैंने ओरिगैमी बनाया है, है ना? अच्छा, एकदम ओरिजिनल, पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह। बिल्कुल सही बार्बी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी? डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं, तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए क्राउन है, किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ, और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। यह रहा तुम्हारा नया फ्लफी पुरस्कार। कितना प्यारा है, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। पहले हमारे दोस्त की ड्राइंग बनाओ। मुझे यकीन है कि यह मुश्किल नहीं होगा, और ऐसा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हाँ, यहाँ ब्रश और पेंट तो है, पर कोई कागज नहीं है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे अच्छा कैनवास है, तुम्हारा चेहरा। वैसे यह मजेदार होगा। मुझे बॉडी पेंटिंग हमेशा से पसंद है, अब इस पर अपना हाथ आजमाना चाहिए। अफसोस हमारे पास आईना नहीं है। खैर कोई बात नहीं, यह और भी दिलचस्प होगा। मैं आंखों से शुरू करूंगी। यह किसी भी तस्वीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और अब मैं अपने गालों को रंग लगाऊंगी। वाह, यह फर की तरह लग रहा है। जेन को समझ आ गया है, वो अच्छा कर रही है। मुझे भी कुछ जल्दी करना होगा, और इसके लिए मैं एक ही बार में सभी ब्रश लूंगी। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी पकड़ लूंगी। तो पेंट्स तैयार है, शुरू करती हूँ। मैं अपने चेहरे पर बाल बनाने की कोशिश करती हूँ। जरूरी बात यह है कि स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे स्ट्रोक बनाना है, फिर सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। अब यह ऐसा दिख रहा है। मेरे पास जेन से बेहतर करने का बहुत अच्छा मौका है। इस कुत्ते की आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, मैं उसी से शुरू करूंगी। जब तक तुम शुरू करने की सोच रही हो, तब तक मैंने लगभग सब बना लिया है, बहुत कम बचा है। हे भगवान, जेन क्या कर रही है? ये भयानक लग रहा है। ठीक है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। पॉली की स्थिति थोड़ी बेहतर है। बहुत बढ़िया, तुम अच्छा कर रही हो। मुझे प्रतियोगियों को कम करना पड़ेगा। मुझे किसने डराया? क्यों? कितना दर्द हुआ? तुम क्या कर रही हो जेन? ये लो। तुम फिर से शुरू हो गई पॉली। बस बहुत हो गया, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम देखना। दोस्तों क्या हुआ? मुझे लगता है यह सब बार्बी का किया धरा है।
तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल नहीं। बस समय समाप्त हो गया है। कितने समय पर, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाती। मैं देख रहा हूँ कि पॉली के पास हमें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस भयानक को मत देखो। मुझे दिखाते भी बुरा लग रहा है, मेरी ड्राइंग गड़बड़ हो गई है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका मतलब मैं जीत गई। यह वास्तव में अच्छा है, शाबाश मैरी। मैं कब से ऐसे डॉगी को पाने का सपना देख रही थी। बधाई हो, अब यह तुम्हारा हुआ। पर यह सही नहीं है, बार्बी ने हमारे साथ धोखा किया था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अजीब है, ये गंध कहाँ से आ रही है। बेबी तुम कहाँ जा रही हो। ओ नहीं, ये क्या है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे उल्टी हो जाएगी। छी, चलो तुम्हें अच्छे से तैयार करते हैं बेबी। बस हो गया, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब कुत्ता नहीं चाहिए। वाह, कितने सारे खूबसूरत पेंसिल, कितने सारे रंग के हैं। जब तुम एक नया ड्राइंग बनाओगे तो यह काम आएंगे। जरा इन प्यारों को देखो। क्या हमें कॉकरोच ड्रॉ करना है? बिल्कुल, और तुम इसे इन छोटे हाथों से करोगे। यह मजेदार लग रहे हैं। हाँ, बहुत प्यारे। यह मेरी उंगलियों पर बिल्कुल फिट आ रहे हैं। एक बार सब तैयार हो जाए तो हम शुरू करते हैं। खैर, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। शुरू हो जाओ। मुझसे सब ठीक से हो रहा है। मुझे लगा था कि इन छोटे हाथों से यह मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, एकदम सही लाइन। बहुत अच्छा। एक अलग रंग चाहिए, भूरा सही रहेगा, क्योंकि हमारे कॉकरोच ऐसे ही हैं। मेरी ड्राइंग में वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें कुछ चमकदार जोड़ना होगा। यह नीला रंग मुझे यही चाहिए। वाह, अच्छा लग रहा है। ये शेड अच्छे लग रहे हैं। मुझे कॉकरोच का ड्राइंग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, पेंसिल भी टूट गई, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। पर यहाँ कोई भी ठीक नहीं है। क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक शार्पनर की जरूरत है। इसकी सहायता से मैं अपनी पेंसिल को फिर से शार्प कर लूंगी, फिर यह नए जैसा हो जाएगा। जरूरी बात है कि इसे तेजी से करना होगा। अरे नहीं, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया और अब यह सारा बुरादा मेरे ऊपर है। पर यह अच्छा है कि कम से कम पेंसिल सही हो गई। पर अब ये बहुत छोटी हो गई। बस इन बुरादा को हटा देती हूँ और ड्राइंग शुरू करती हूँ। पॉली, वास्तव में तुमने ये सब मुझ पर उड़ा दिया है, और अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? माफ करना, ये सब दुर्घटना के कारण हो गया। मैं अभी सब हटा देती हूँ। धन्यवाद पॉली, अब मैं अपना ड्राइंग जारी रख सकती हूँ। बार्बी, मुझ पर कागज फेंकना बंद करो। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ। देखो तुमने ये क्या किया है, यह कोई कूड़ादान नहीं है। वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है, मुझे उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ला, मैं इसे साफ कर देती हूँ। जेन, मेरी ड्राइंग कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। अब मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, यह तैयार है। मुझे ठीक से देखना होगा। पॉली, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुमने कोशिश की है। मेरी ड्राइंग कहीं चली गई? और मुझे लगता है तुमने कुछ नहीं बनाया है और बस मुझसे झूठ बोल रही हो। पर बार्बी बहुत स्मार्ट है, मैं हैरान हूँ। पर ये मेरी ड्राइंग है, उसने चुरा ली है। बहुत देर हो गई जेन, तुम हार गई हो। पर ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं कॉकरोच लेना नहीं चाहती। ये बहुत बड़े और डरावने हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हार गई हो, इसलिए तुम्हें यह लेना पड़ेगा। चलो अपना हाथ अंदर करो। यह मैं क्या देख रही हूँ, ये कीमती अंगूठी है। कितना भयानक, वो ये कैसे कर रही है। मुझे मिल गया। अरे नहीं, मेरे हाथ पर कॉकरोच है। ओली प्लीज मेरी मदद करो, उन्हें हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंगूठी को देखो, कितनी चमक रही है। इसे कहते हैं किस्मत। अंगूठी? ये सही नहीं है, ये मुझे दो। बिल्कुल नहीं। वैसे धन्यवाद बार्बी, तुम्हारी वजह से मैं हार गई थी। ये तुम पर सूट कर रहा है जेन। हम एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। इस बार विजेता को मिलेगा चॉकलेट फाउंटेन। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसे जीतना बहुत आसान नहीं होगा,
क्योंकि तुम्हें एयर ब्रश से पेंट करना होगा। चलो देखता हूँ कि कैसा होगा। समय शुरू हो गया है। यह आसान नहीं लेकिन रोमांचक होगा। जरूरी बात यह है कि शुरू करना। पहले यह एयर ब्रश तो उठ जाए। मुझे किसी तरह से इसे उठाना होगा और उनकी तरह करना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मैं समय पर शुरू करने में कामयाब रही। अभी तक बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं फॉर्म को दोहराने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अब नीले रंग की जरूरत नहीं है, अब भूरे रंग की बारी है। अरे नहीं, मैंने अपना एयर ब्रश गिरा दिया। लगता है मुझे किसी का श्राप लग गया है। लगता है किसी की किस्मत उसके साथ नहीं है। यह अच्छा है कि मैं यह कर सकती हूँ। यह फाउंटेन असली के समान नहीं लग रहा है। मुझे अपनी ड्राइंग पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके लिए मुझे एक पतले मार्कर की जरूरत होगी। इसकी सहायता से मैं आउटलाइन बनाकर उसके आकार को स्पष्ट करूंगी। समय समाप्त होने वाला है। बस हो गया, बंद करो। What? कैसे? मैंने बस अभी अपने मुंह में एयर ब्रश पकड़ा है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। चलो किसी का इंतजार नहीं करते। बहुत बुरा, मेरे पास खाली सीट है। यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। मेरा काम कैसा है ना सबसे अच्छा? वाह, मुझे इसकी बहुत उम्मीद थी। और यह फाउंटेन है, कितना बड़ा है। मैं चॉकलेट खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ये कितने अच्छे तरीके से बह रहा है। मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। जब जोरों की भूख लगी हो तो और क्या चाहिए। बोन एपिटिट, हम तुम्हारे लिए खुश है। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे खुश किया जा सकता है। चलो साथ में चॉकलेट खाते हैं। लो ये स्ट्रॉ लो। धन्यवाद जेन, तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। चलो खाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, और यह सच है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। हाँ, इसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। स्वादिष्ट, हमने बहुत अच्छी चीज खाई। यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि हम अपनी क्लास में आ गए हैं। वैसे मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि मेरे पास चिप्स है। ठीक है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। पॉली खाओ, जेन तुम भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम लोगों ने प्यार की भाषा समझी। अब तुमसे विदा लेने का समय हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनाम हमेशा अपने हीरो को ढूंढ लेता है, इसलिए कभी हिम्मत ना हारे। गुड लक, जल्दी फिर मिलते हैं।